पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। किसका काम था सत्या पे नजर रखना, मेरा या तुम्हारा? तुम्हारा ना। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम्हें सत्या पे नजर रखनी है। कहा था कि नहीं? क्योंकि सत्या कॉन्स्टेंटली तुम पर नजर रखे हुए हैं। वो देख रहा है तुम क्या कर रहे हो, कब उठे हो, कब बैठे हो, कहां जा रहे हो, सबको देख रहा है। वो पूरा खेल खराब हो सकता था आज। यू मेस्ड अप आर्या। मैम सॉरी, मेरी नजर थी उस तो पर। अगर नजर थी तो ऐसा कैसे हुआ, क्यों यहां तक आ गया, तुम्हें पता ही नहीं चला? तुम्हें सत्या के पीछे नहीं आ रहा, 10 कदम आगे चल जाना है। ऐसा क्या जरूरी काम कर रही थी तुम कि वो घर से निकल गया, तुम्हें पता नहीं चला? क्या कर रही थी तुम बोलो? यार या पता नहीं कहां किस हाल में होगी। नहीं, थोड़ा और वेट करता हूं। ये क्यों तुम्हें फोन कर रहा है? तुम किसी भी कीमत पर अपनी असली पहचान से नहीं बताओगी। तुम्हारे और चांद्राव के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अंकुश जिंदा है। वो एक्चुअली बाबा वो मुझ पर चिल्ला रहा था, हमारा झगड़ा हो रहा था, वो मुझ पर दबाव डाल रहा था कि मैं घर से निकल जाऊं, वो सच जानना चाहता था। वो बहुत सवाल पूछ रहा था और उसी बीच सत्या कब निकल गया पता ही नहीं चला। You disappointed me, Arya. You failed. I'm sorry, बाबा, मैं बहुत ज्यादा सतर्क रहूंगी। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। I'm sorry, बाबा, प्लीज एक मौका और दे दीजिए। कान खोल के मेरी बात सुन लो, और मौके नहीं मिलेंगे। हम एक भी गलती नहीं कर सकते आर्या, एक भी नहीं। सत्या बहुत ही शातिर है, इस बार बच गए, अगली बार ना गोलियां चल जाएंगे। सेट किया? डोंट वरी बाबा, अगली बार का टाइम ही नहीं आएगा। आई प्रोमिस आई बी वेरी अलर्ट। लेकिन बाबा वो जो पिछला रूम था वहां सत्या गया था, अगर वहां उसे ऐसा कुछ मिल गया जिससे उसे ये पता चल जाए कि हम सब जिंदा हैं, फिर किसी ने सही कहा है, इंसान का अतीत और उसके कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। मतलब फोटो है और सबूत है मेरे पास, ये प्रूफ करने के लिए कि आयरा ही वो लड़की है। साला कोई कभी सोच ही नहीं सकता था। हे भगवान, पता चल गया सत्या को कि आयरा ही आ रहा है। कौन है सर? ये देखो, ये है उस लड़की की असलियत। ये जो बच्चे है ना, ये वही है। कभी कोई सोच भी नहीं सकेगा कि ये वो लड़की है जो वो टाइम पे बच गई, और आज इतने बरसों के बाद भाव साहिब के सामने खड़े होके जंग का ऐलान कर रही है। सत्या को पता चल गया है कि आर्या उस दिन मरी नहीं थी।
कोई हमें लेने नहीं आया, ये लोग क्या करेंगे हमारे साथ? ये तो रिमांड होम वाली लड़की है ना? कहा गया ये देखो, ये वाली पेपर कटिंग देखो इसकी। उसने है ना सारे आर्टिकल जमा करके रखे, सारी प्रेस की कटिंग रखी है अपने पास। कब की? जब वो रिमांड होम पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस लगा था। मैं तो छुट गया उसमें से क्योंकि कोई सबूत नहीं निकला उसमें। लेकिन उसको तो सारी सच्चाई मालूम है और इसलिए सब कुछ संभाल के रखा है उसने। क्या हो गया? पावर और पैसे के पीछे की गंदगी देखकर घबराहट हो रही है क्या? नहीं नहीं पापा, ये तो काम है हमारा। मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। ये सारे सबूत देकर उसे पूरा यकीन हो जाएगा कि ये बरसों पहले की चाइल्ड ट्रैफिकिंग की कोई विक्टिम है जो उसके साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है सत्या की लाइफ में वापस। उसे तसल्ली हो जाएगी कि ये आयरा उसके लिए कोई बड़ी थ्रेट नहीं है, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे दुश्मन वो बड़ी आसानी से मैनेज कर सकता है। मैं भी चाहता हूं कि वो इसी गलत फहमी का शिकार बना रहे, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये लड़की आयरा जो असल में आर्या है, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आर्या ही वो लड़की है जो उसके साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। दिल में बदले की भावना और आंखों में गुस्से की आग लेके भाव साहेब को तबाह करने को चली है ये लड़की। बच गई, कितना डरा दिया था तूने आर्या। क्या हो गया? तुम खुश दिखाई दे रहे हो। आर्या से सत्या का ध्यान कहीं और ले जाना होगा। पापा, खोदा पहाड़ और निकली चुड़िया। मुझे लगा था पता नहीं किसने भेजा होगा, किसी ऑपोजिशन पार्टी ने या फिर किसी सिंडिकेट ने। ये पिद्दी हमारा क्या बिगाड़ लेगी? नहीं, चुनाव का समय है युग, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सबके सामने नहीं आना चाहिए। साहिब इन्वॉल्व थे, ये सबको पता नहीं चलना चाहिए। इलेक्शन के टाइम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हम लोग। उसकी फिक्र मत करना, वो सही बोल रहे, मैं हैंडल कर लेगा हमेशा की तरह। क्या है, उसे बात करके निपटा दूंगा ना, ये जास्ती खतरा नहीं है छोटी। बात बिल्कुल सही है पापा। देखिए, अगर बात बात करके सुलझ जाती है तो फालतू में बात का बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत। इससे कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि उसने शादी पे जो नौटंकी करी है वो सब ड्रामा था। तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक करूंगा ना। मैं हमेशा ऐसा काम करता हूँ जिसका भविष्य में जाके कोई परेशानी वाला आइटम नहीं निकले। बराबर, ये आयरा का भी मामला मैं इसी तरीके से सेट कर दूंगा। ये क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं। बाबा थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, उससे मैं आके अब देखिए शादी का नौटंकी करने के बाद वैसे भी वो काफी लाइमलाइट में मीडिया में। इस टाइम पे अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो मीडिया टूट पड़ेगा हम पे। इलेक्शंस पास में है, हमें अपनी इमेज का खास ध्यान रखना। अरे ये तुम लोग आज के जेनरेशन वाले है ना, योगी बेर, तुम लोग बहुत सोचने के। बहुत आसान तरीका है, या तो आत्मसमर्पण करके प्राश्चित करूंगा, अपने हृदय को साफ करूंगा, या तो उसके मुंह में पैसे भर के ठुस के है ना मैटर को खत्म करूंगा। तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं संभालूंगा उसको, तुम्हारी नजर तो है ना उसके ऊपर।
मेरे आदमी हैं उसके पीछे। तो अभी कहाँ पे आ रहे हैं वो? मार्केट में। अरे वाह। हाँ योग। अरे तुम कहाँ पे हो? मैं अपने रूम में हूँ। हमें जल्दी मिलना होगा। तुम आ रही हो ना? ओके। मैं आती हूँ। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।